हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन। ठीक है, तो आज रेनेसा और रिफॉर्मेशन का ये टॉपिक लेके मैं आप सभी के सामने आई हूँ। देखिए, रेनेसा और रिफॉर्मेशन आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि उनका मतलब ही एक है। देखिए, रेनेसा पुराने टाइम में क्या हुआ करता था कि जो जो स्पिरिचुअलिटी थी वो साइंटिफिक टेंपर पे ज़्यादा भारी पड़ती थी। ठीक है, साइंटिफिक थॉट्स स्पिरिचुअलिटी के सामने बहुत छोटे आंके जाते थे क्योंकि साइंस के बारे में तब उतना लोगों को पता नहीं था। और क्योंकि उस टाइम पे जो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि यूरोप की बात करें तो यूरोप में जो भी किंगडम्स थे या जो भी स्टेट्स थे उन सबको एक रोम में बैठा एक पोप रूल करता था सभी किंग्स पे। वो कहता था ये करो, ये अपने स्टेट पे ये रूल लागू कर दो। तो वो जो किंग्स थे उन्हें वो करना पड़ता था क्योंकि वो उससे बंधे हुए थे। क्योंकि आपने इंडल्जेंस सुना होगा, है ना? इंडल्जेंस और कुछ नहीं बल्कि एक पीस ऑफ पेपर होता था जिसके द्वारा जो प्रीस्ट होते थे या जो पोप होता था वो लोगों को बुद्धू बनाता था। एक्चुअली बुद्धू बनाता था कि आपको जो आपने पाप किया है, जो भी आपने सिन किया है, गॉड आपको इसके थ्रू माफ़ कर देगा। जैसे देखिए, इंडल्जेंस क्या होता था कि जैसे स्टार्टिंग में जब पोप वगैरह चर्च वगैरह का टाइम चल रहा था तो कि जैसे किसी ने क्राइम कर दिया, फिर वो क्राइम करने के बाद चर्च में जाएगा, चर्च में पोप को बताएगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, मुझसे ऐसा ऐसा क्राइम हो गया है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो जो पोप होते थे वो क्योंकि पैसे ऐंठना होता था उनको, देखिए मैं एकदम इजी लैंग्वेज में जो आपके दिमाग में बिल्कुल घुस जाए मैं ऐसे बात कर रही हूं। इन पोप लोगों को क्या होता था कि उन्हें पैसे चाहिए थे, ठीक है, उन्हें पैसे कमाना था। अब क्योंकि लोगों पे उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी का जो एक पर्दा, जो एक पट्टी बांध दी थी, उसके आगे उन्हें कुछ रियलिटी दिखती नहीं थी। उन्हें लगता था पत्ता पेड़ से गिरा तो वो भगवान की वजह से गिर गया, पत्ता हवा चली तो पत्ता वही पत्ता गिरा हुआ उड़ गया तो वो भी भगवान की वजह से उड़ गया। अब वो पत्ता सड़ रहा है, अगर उसको कीड़े खा रहे हैं तो वो भी भगवान की वजह से हो रहा है। मतलब एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू गॉड, एवरीथिंग वॉज रिलेटेड टू गॉड, चाहे वो सच हो, चाहे झूठ हो, सही हो, गलत हो, सब ठीक है। क्यों? क्योंकि पोप ने ऐसा बोला हुआ था, क्योंकि चर्च द हाइएस्ट सुप्रीम अथॉरिटी ने ऐसा बोला हुआ था कि जो गॉड है वो सुप्रीम है, ठीक है, और उसी ने खुद को बोलता था कि उसी ने चर्च को, पोप को भेजा है यहाँ पे एक अपना इंटरमीडियरी बना के, ठीक है। इंटरमीडियरी किसे कहते हैं? दो के बीच वाला, बिचवानी भी जिसे कहते हैं, ठीक है। जब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब दो लोग की शादी कराते हैं तो जो कराता है उसे बिचवानी बोलते हैं ना, तो बिचवानी मतलब बीच वाला, मतलब इंटरमीडियरी, जो आप दोनों से, जो दोनों का लिंक बना रहा है। तो वो लिंक खुद को बताते थे चर्च को कि इंसान को गॉड से मिला कर रखने के लिए भगवान ने ही चर्च को बनाया, भगवान ने पोप को बनाया। तो वो पोप क्या करते थे कि एक पीस ऑफ पेपर देते थे जिसमें काफ़ी कुछ बातें लिखी हुई होती थी और वो उसे पैसे लेकर, वो इंडल्जेंस का जो पेपर हुआ करता था उसे इंडल्जेंस बोलते थे, वो पेपर उन्हें दे दिया करते थे और वो कहते थे ये तुम अपने पास रखे ना, जब तक ये तुम अपने पास रखोगे तब तक भगवान तुम्हें माफ़ रखेगा। मतलब ये एक बार तुम ले लो तो भगवान ने वो तुम्हें माफ़ कर देगा तुम्हारे सिन के लिए, चाहे वो छोटा क्राइम हो चाहे वो बड़ा क्राइम हो, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ीपन उस टाइम लोगों में पनप रहा था, ये लोग कुछ देखते ही नहीं थे कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। दे जस्ट फॉलो ब्लाइंडली, दे जस्ट फॉलो द चर्च, द पोप ब्लाइंडली, ओके। तो चलिए, रेनेसा का एक सिंपल मीनिंग लिख लीजिए, एंट्री इन मॉडर्न यूरोप। मतलब उस टाइम ये जो डार्क एज चल रहा था, जो प्री इंडिपेंडेंस टाइम था, ये डार्क एज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोग कुछ अपने दिमाग से नहीं सोचा करते थे, बहुत ही ज़्यादा एक एक कंट्रोल में रहते थे, ठीक है। तो यही था डार्क एज। तो रेनेसा जो था उसे एंट्री इन मॉडर्न यूरोप कहा गया क्योंकि रेनेसा के आने के बाद ही लोगों ने मॉडर्न यूरोप में कदम रखा, ठीक है। नई तरकीबें, एक नई सोच के साथ लोग आगे बढ़े। और इस रेनेसा का जो एक मेन थीम था, दैट वाज ह्यूमनिज्म। मींस पहले जो था, पहले गॉड सेंटर में थे,
मतलब सेंटर ऑफ एक्टिविटी गॉड था, हर चीज़ गॉड के अराउंड घूमती थी, हर चीज़ गॉड से रिलेटेड बताई जाती थी, हर चीज़ भगवान कर रहा है ये बताया जाता था। अगर तुमने गलत किया तो भगवान सजा देगा, अगर तुमने मतलब अगर तुमने चर्च के हिसाब से किया तो तुमने अच्छा किया और भगवान तुम्हें मतलब आशीर्वाद देगा, और अगर तुम अगेंस्ट गए चर्च के तो तुमने गलत किया और भगवान तुम्हें उसकी सज़ा देगा, जिसके लिए तुम्हें चर्च से ही इंडल्जेंस लेना पड़ेगा, उसको पैसे देकर तब तक वो तुम्हें माफ़ रखेगा। तो ये सारी नौटंकी वहाँ चल रही थी इस टाइम। तो रेनेसा के आने के बाद इसीलिए बोला गया कि मॉडर्न यूरोप में एंट्री हुई सबकी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बोला गया कि पहले अर्लियर क्या था, गॉड वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी, बट नाउ मैन बिकम द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। अब इंसान अपने लिए अपनी सराउंडिंग्स के बारे में सोचना उसने शुरू कर दिया, भगवान को छोड़कर मतलब स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को हटाकर उसने खुद के लिए ह्यूमनिज्म के बारे में सोचना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए, जब इंसान ने स्पिरिचुअलिटी को हटाकर अपने बारे में, खुद के बारे में, इंसान के बारे में सोचना शुरू किया, अपने सराउंडिंग्स के बारे में सोचना शुरू किया, तब क्या हुआ, किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ, ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ह्यूमन ने जब अपने बारे में सोचना शुरू किया तब ह्यूमन पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ। अब देखिए, उस टाइम के कई जो मेन बहुत फेमस राइटर्स और फिलोसोफर्स हुए, जैसे लियोनार्डो द विंसी, माइकल एंजेलो, तो इनके बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, बहुत ही फेमस उन्होंने राइटिंग्स लिखी हैं। जैसे कि लियोनार्डो द विंसी का फेम, उन्हें क्या रेनेसेंस मैन भी बोला जाता है। लियोनार्डो द विंसी याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं लिखना हो तो लियोनार्डो द विंसी रेनेसेंस मैन, ठीक है। और इनका फेमस वर्क लास्ट सपर, मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग्स आप सभी ने देखी होगी, और शायद आपने ये चीज़ गौर की हो, नहीं क्यों मुझे नहीं पता, बट मैंने एक बार देखा था बहुत गौर से। तो हम हमेशा देखते होंगे, तो मोनालिसा की जो पेंटिंग है बहुत अजीब सी लगती है ना, तो वो उसमें आप कभी ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि मोनालिसा जो है उनकी आईब्रोज नहीं हैं, इसलिए शायद हमें उनका फेस थोड़ा अजीब लगता है, ठीक है। तो ये चलिए छोड़े, हम लास्ट सपर की बात करते हैं। तो लास्ट सपर जो है वो भी उनकी बहुत ही एक फेमस आर्ट है, एक पेंटिंग है, जिसमें वो बताते हैं, जिसमें वो एक जगह की बात कर रहे होते हैं जहाँ एक बंदे को मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगी, जहाँ एक बंदे को नेक्स्ट डे मारना होता है। तो वो जब अपना खाना खा रहा होता है उस टाइम, तो दैट वॉज इज लास्ट सपर। तो ये इसीलिए इसका नाम लास्ट सपर रखा गया, ठीक है। खैर, माइकल एंजेलो की बात करें तो ये एक स्कल्प्टर थे और पेंटर थे, और बहुत ही फेमस पेंटिंग्स दी इन्होंने, जैसे कि लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट नाम से ही क्लेरिफाई हो रहा है, लास्ट जजमेंट फ्रेंड्स मैं बताऊँ, ये उस डे को कहते हैं जब भगवान जो है आपका कच्चा चिट्ठा खोल कर रखते हैं, जब आपकी डेथ हो जाती है, तो भगवान मतलब ऐसे उस टाइम के राइटर्स थे, तो उन्होंने ऐसी उस जो टाइम सिचुएशन चल रहा था, जो टाइम चल रहा था उसको देखते हुए ये चीज़ उन्होंने बनाई, लिखी लास्ट जजमेंट, जहाँ भगवान बैठकर इंसान को कहाँ जाना है, मतलब उसने अच्छे कर्म कितने किए हैं, बुरे कर्म कितने किए, तो वो चीज़ जज कर रहे थे। तो दैट वाज लास्ट जजमेंट। मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोग को ऐसे ब्रीफ में दिया है। अब देखिए, यहाँ ये जो मूवमेंट, एक मूवमेंट ही तो कहेंगे ना रेनेसा को, तो ये जो मूवमेंट चालू हुआ, ये बहुत ही एक इसने क्या किया, क्यूरोसिटी का स्पिरिट बहुत लोगों में डाल दिया, ठीक है। अब क्योंकि नई नई चीज़ें लोगों को पता चल रही थी, तो लोगों के अंदर क्यूरोसिटी बढ़ गई थी कि हाँ कुछ नई नई चीज़ें पता चल रही हैं। अब हर बात के पीछे वो रीज़न जानना चाहते थे और जानने लगे थे, ठीक है। और ये जितने भी राइटर्स थे, जितने भी फिलोसोफर्स थे, बड़े बड़े थिंकर्स थे, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि ज़्यादा से ज़्यादा खुद के और खुद की सराउंडिंग्स के बारे में पढ़िए, ताकि आपको पता चले कि रियलिटी क्या है, ठीक है। और सिर्फ किसी भी चीज़ को इसलिए मत मान लो क्योंकि वो बहुत ही पुराने टाइम से चली आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ अभी भी होता है, खैर बहुत ही बुरा है ये कहने में, कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि बहुत पिछले टाइम से चली आ रही हैं, परंपरा जिन्हें कह देते हैं, तो वो चीज़ें खैर छोड़िए उसे, ठीक है। तो उस टाइम जो राइटर्स थे, थिंकर्स थे, उन्होंने यही कहा लोगों से कि सिर्फ इसलिए किसी चीज़ को मत मान लो क्योंकि वो बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, जस्ट रीज़न ढूंढो उसमें, ठीक है। रीज़न करो कि क्यों क्यों है ऐसा। उन्हें इनकरेज किया गया
ओरिजिनल थिंकिंग के लिए उन्हें कहा गया कि आप रियल बाइबल पढ़ो, रियल बाइबल, बाइबल्स को लोकल लैंग्वेजेस में, जर्मन्स में, लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किए गए ताकि लोग, हर इंसान पढ़ सके, ताकि उस हर इंसान को पता चल सके कि एक्चुअल बाइबल में लिखा क्या है, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये जो चर्च थी, प्रीस्ट थे, पोप थे, ये बताते थे कि बाइबल में क्या लिखा है, और इन्होंने जिस तरह से पट्टी पढ़ाई हुई थी वो तो दिख ही रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों ने गलत बताया था कि बाइबल में क्या लिखा है। तो आप, क्योंकि बाइबल जितने भी, देखिए जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बाइबल है, गीता है ना, ये सब हैं, कुरान है, इसमें कोई चीज़ गलत नहीं लिखी है, बहुत ही पवित्र ग्रंथ हैं ये, इनमें रियल में जो लिखे हैं वो कुछ गलत नहीं लिखा है। लेकिन जो लोग अपना फ़ायदा ढूंढना चाहते हैं, जो इंटरमीडियरीज बनते हैं, वो आपको भड़का सकते हैं, वो आपको गलत बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए लोगों को इनकरेज किया गया कि आप ओरिजिनल थिंकिंग करो, स्टडी करो बाइबल की, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली क्या होना चाहिए, सही क्या है, ठीक है। लोगों ने पढ़ना शुरू किया, लोगों ने आसपास की चीज़ों को जानना शुरू किया, और इसमें ज़्यादातर जो अपर क्लासेस थी, यानी बोर्जुआ क्लास जो थी, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व थी, और अर्बन एरियाज़ में ये मूवमेंट ज़्यादा चल रहा था। राइज ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में देखिए लिटरेसी, लिटरेसी मीन्स लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है, जानना शुरू कर दिया था, लोग पढ़े लिखे बन रहे थे अब, ठीक है, लोग मॉडर्न बन रहे थे, लिटरेसी आ रही थी लोगों में, ठीक है। स्कूल बनना शुरू किया, जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया तो स्कूल्स बनना शुरू हुए, यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हुई, नेपल्स में, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन जगह है ना, यूनिवर्सिटीज़ बनना शुरू हुई, ताकि लोग पढ़ सके, एक्चुअल क्या है, रियलिटी क्या है, वो जान सकें। और ये एजुकेशन जो है वो हर एक छोटे से छोटे इंसान तक पहुँची, 14th सेंचुरी की बातें हैं, हर एक इंसान तक, एक आम आदमी तक एजुकेशन पहुंची उस टाइम, ये जो मूवमेंट चल रहा था सिर्फ इसके थ्रू, मूवमेंट क्या, रेनेसा, इसीलिए हमने सबसे फर्स्ट में कहा था रेनेसा एंट्री इन मॉडर्न यूरोप। अब यूरोप मॉडर्न क्यों बन रहा था, क्योंकि यूरोप के लोग मॉडर्न बन रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ राइटर्स हैं, जैसे जोफ्रे चौसर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, जिनका वर्क कैंटरबरी टेल्स, मैकेविली बहुत ही जाने माने भैया फिलोसोफर हैं, उन्होंने क्या लिखा, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस द प्रिंस। गाइस ये हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस और द प्रिंस इनकी बहुत ही फेमस वर्क्स हैं, कभी टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी हैं। थॉमस मोर, उथोपिया, मार्टिन लूथर, जिन्होंने ये सब स्टार्ट किया था, एक्चुअली जो प्रोटेस्टेंटिज्म है वो मार्टिन लूथर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, जिन्होंने बाइबल को जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि लोग अपनी लोकल लैंग्वेज में पाकर इसे पढ़ सकें आसानी से। लॉरेंजो गिलबर्टी, रेनेसांस स्कल्प्टर भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने डोर बनाया था, एक दरवाज़ा बनाया था, बैप्टिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, ठीक है, एक फेमस डोर, खैर मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है, बट इनकी पेंटिंग थी ये। माइकल एंजेलो, स्टैचू ऑफ डेविड इन फ्लोरेंस, डोनाटेलो मोल्डेड स्टैचू, सेंट मार्क वेनिस जॉर्ज फ्लोरेंस। अब साइंस के फील्ड में क्या डेवलपमेंट हुई ये देखें, जैसे जैसे लोगों ने हर चीज़ के पीछे रीज़न ढूंढना शुरू कर दिया, जैसे जैसे उनकी आँखों से वो पट्टी हटने लगी, कौन सी पट्टी, स्पिरिचुअलिटी की पट्टी, एक्चुअली गलत स्पिरिचुअलिटी की पट्टी। देखिए भगवान को मानना गलत नहीं है, मैं तो मानती हूँ भगवान है और मैं हमेशा मानूंगी, क्योंकि बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आंखें बंद कर लूँ कि हर चीज़ सिर्फ भगवान पे ही छोड़ दूँ, इस तो ये चीज़ गलत है, मतलब हर चीज़ आप भगवान से रिलेट कर दो ये चीज़ गलत है। भगवान है इसका सबसे बड़ा सबूत, मैं जो मानती हूँ वो इंसान को मानती हूँ, क्योंकि इंसान है इसका मतलब भगवान है, क्योंकि इंसान को भगवान ने बनाया, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक है। बाकी चीज़ें डेवलपमेंट ऑफ साइंस के थ्रू आई वो भी मैं मानती हूँ, बट इंसान है इसका मतलब भगवान है। तो खैर छोड़िए, ये मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप मानते हैं या नहीं, अगर आप चाहें तो। खैर हम डेवलपमेंट ऑफ साइंस की बात कर रहे हैं, तो जब लोगों ने रीजनिंग करने की सोची, लोग जब रीजन्स करने लगे हर चीज़ के पीछे, तो एक साइंस का डेवलपमेंट हुआ। जब लोग पूछना सोचना शुरू कर जाते हैं तभी साइंस का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़े बड़े नाम आएंगे, फ्रांसिस बेकन, जो कि साइंटिफिक मेथड्स के लिए जाने जाते हैं, फ्रांसिस बेकन। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, निकोलस कॉपरनिकस ने, क्या बताया था कि धरती नहीं सन है सेंटर में, सन सेंटर में है, बाकी चीज़ें इसके अराउंड चक्कर लगाती हैं। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी बाय हुम,
निकोलस कॉपरनिकस। खैर सर आइजक न्यूटन के बारे में देखिए, इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छे अच्छे लॉज दिए, बहुत अच्छी अच्छी फोर्सेस के नाम बारे में बताया। खैर हमारा तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है अभी पढ़ के, जब हम बहुत ज़्यादा इनके बारे में पढ़ना चालू करते हैं तो हमें लगता है अरे यार क्यों बनाया था। खैर सर आइजक न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में उस टाइम बताया कि जो धरती है, जो ये सब हो रहा है, हम जो धरती से जुड़े हैं, तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर चीज़ ऊपर से नीचे इसलिए नहीं करती क्योंकि भगवान चाहते हैं, इसलिए करती है क्योंकि धरती के अंदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है। जोनस कैपलर जिन्होंने लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन दिया, गैलीलियो गैलीली टेलीस्कोप का उन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है। कॉर्डस हेलमंट जिन्होंने CO2 के बारे में बताया, जिन्होंने कॉर्डस ने ईथर के बारे में बताया, अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, मिलाकर जो ईथर बनाते हैं, ईथर फ्रॉम अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसके बारे में बताया किसने, कॉर्डस ने। तो ये था आपका डेवलपमेंट ऑफ साइंस जो कि रेनेसा की वजह से आया। अब चलिए हम रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है। देखिए रिफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को रिफॉर्म करना, मतलब दोबारा से बनाना। अब रेनेसा क्या हुआ, रेनेसा से तो हमने बिगड़ी हुई चीज़ को हटा दिया, लेकिन अब कुछ देखिए जैसे कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो हम उसे वहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जगह तो खाली हो गई, अब हमें उसे फिर से सही तो करना पड़ेगा ना, तो उसको हम जब फिर से दोबारा से सही करते हैं तो वो रिफॉर्मेशन कहलाता है। जब हमने उस चीज़ को हटा फेंका, जो ख़राब चीज़ थी उसे हटा फेंका, वो रेनेसा हुआ। अब जब हम उसे जो बाकी की सही चीज़ है उसको जब हम सही से रखेंगे, सही से उसे यू नो डेवलप करेंगे, तो वो रिफॉर्मेशन कहलाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट्स ने रिफॉर्मेशन शुरू कर दिया, किसके प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट, जो कैथोलिक चर्चेस थी उनकी गलत प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट उन्होंने रिफॉर्मेशन शुरू कर दिया। और जो प्रोटेस्टेंट लीडर्स बने उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्चेस को एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया। और जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटेस्टेंटिज्म मार्टिन लूथर के थ्रू शुरू हुआ था, उनकी थेसिस के थ्रू, मार्टिन लूथर के अंडर जो लेटर ऑफ इंडल्जेंस मैंने आपको बताया था वो दिया जाता था पोप के थ्रू, और जितनी भी चर्च की एबल्स थी उनके अगेंस्ट एक प्रो चर्च जर्मनी में सेटअप किया गया 1520 में, जो कि एक प्रोटेस्टेंट चर्च था, ठीक है। इसमें नेशनलिज्म ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया क्योंकि जब लोग समझने लगे तो एक वो एक छोटा सा टॉपिक हटके वो बहुत बड़ा टॉपिक बन गया, नेशनल लेवल पे टॉपिक बन गया। तो नेशनलिज्म ने भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया क्योंकि अब लोग सच्चाई जानने लगे थे, अब कैथोलिक चर्चेस की जो रोम में जो पोप बैठा रहता था उसकी सच्चाई जानने लगे थे, वो जान गए थे कि वो अब पट्टी पढ़ा रहा है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट चर्चेस ने क्या किया, वो लोकल लैंग्वेजेस में उन्होंने बात करने शुरू की ताकि लोकल लैंग्वेजेस तक उनके लोकल जो लोग हैं वो हर तरह से उनसे इंटरेक्ट कर सकें। बाइबल्स जो थी उन्हें लोकल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना शुरू किया। रीजंस बहुत ज़रूरी हैं, ये चीज़ बताई, रिलीजन से ज़्यादा ज़रूरी रीज़न करना है, ये चीज़ बताई। तो ये जो कैथोलिक रिफॉर्मेशन था इसको हमने काउंटर रिफॉर्मेशन भी कहा है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कैथोलिक रिफॉर्मेशन ही काउंटर रिफॉर्मेशन है, ओके। अभी कैथोलिक रिफॉर्मेशन क्या था, कैथोलिक्स ने भी रिफॉर्म करना शुरू कर दिया अपने आप को। देखिए जब कैथोलिक्स ने देखा ये कि हमारी जो सत्ता है वो हिल सकती है, हम हट सकते हैं यहाँ से, यू नो जो स्पिरिचुअलिटी का जो पट्टी बंधी है लोगों के हाथ पे वो हट रही है, तो उसे कायम रखने के लिए इन लोगों ने जो प्रोटेस्टेंट चर्चेस थे उनकी जो पॉपुलरिटी बढ़ रही थी उसके अगेंस्ट प्रोसेस करना शुरू कर दिया। लेकिन जगह जगह रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने भी अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना शुरू कर दिया, जैसे नाम दिया गया सोल्जर्स ऑफ जीसस। अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब इतना बड़ा टॉपिक बन गया, ये दो जो देश था वो दो लड़ाई एक लड़ाई में दो हिस्से हो गए, एक रिफॉर्मर्स हो गए एक कैथोलिक हो गए, है ना। तो एक जो प्रोटेस्टेंट्स थे और एक कैथोलिक्स थे, तो इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होने लगी, रिलीजियस बेसिस पे तो लड़ाइयाँ ज़्यादा ही होती हैं हमारे, है ना, तो ये चीज़ तो वेरी कॉमन। तो यहाँ पे ब्लड शेड तक हो गया इस चीज़ को लेकर, ठीक है। रिफॉर्मेशन जब चल रहा था तो ये रिलीजियस वॉर्स जो हैं इसमें दोनों ही सेक्ट्स के फॉलोअर्स के बीच में ब्लड शेड हुआ, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए, वायलेंस हुआ इंग्लैंड में, जिसने लोगों को मजबूर कर दिया नॉर्थ अमेरिका की तरह शिफ्ट होने में, ठीक है। तो इसी वजह से, इस वायलेंस की वजह से ही लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया
अमेरिका की तरफ, नॉर्थ अमेरिका की तरफ। और क्योंकि जो किंग चार्ल्स वन था इंग्लैंड का, वो उनकी भी प्रो कैथोलिक प्रैक्टिसेस थी, है ना, तो लोगों उस उनकी प्रैक्टिसेस की वजह से, क्योंकि सब जागरूक हो रहे थे, सबको पता चल रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे उसकी वजह से और चार्ल्स वन की प्रैक्टिसेस की वजह से, प्रो कैथोलिक प्रैक्टिसेस की वजह से इंग्लैंड में सिविल वॉर भी शुरू हो गई। तो यहीं पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है गाइस। मुझे तो बहुत मज़ा आई इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते, आपको पढ़ाते पढ़ाते। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।